पटना में जे डी वेल्स कॉलेज के छात्राओं ने जमकर नारेबाजी और प्रदर्शन किया। जे डी वेल्स की छात्राएं फीस में वृद्धि को लेकर प्रदर्शन कर रही थी। छात्राओं ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के तहत ये प्रदर्शन किया। वहीं छात्राओं ने आरोप लगाते हुए सरकार पर जमकर भड़ास भी निकाला और कहा कि सरकार छात्राओं से फीस के नाम पर अवैध वसूली कर रही है, जिस पर जल्द से जल्द लगाम लगावें। हमारी मांग है कि कॉलेज से जो अवैध वसूली हो रही है फीस की, वो हर डिपार्टमेंट में हर ईयर में लिया जा रहा है। और हमें एक तरफ राज्य सरकार की तरफ से ये नियम निकाला गया है कि लड़कियों से पीजी तक का फीस नहीं लिया जाएगा, पीजी तक का फीस माफ़ है, और यहाँ पे हर साल हम लोग से मेंटेनेंस के नाम पे पैसे लिए जाते हैं, चालान कटता है और उसके द्वारा बैंक में पैसे जमा हो रहे हैं। तो हम इसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे पास सारा डॉक्यूमेंट्स भी है कि फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का भी फीस लगा है इस कॉलेज में, और अब वो फीस कम भी हो गया है। तो जिन लड़कियों ने पहले जो फीस ज़्यादा जमा किया हुआ है, उन लोगों का फीस भी वापस करवाना हम लोग का एम है। और दूसरी बात कि जो थर्ड ईयर की मगध यूनिवर्सिटी के छात्राएं हैं, वो फीस नहीं देंगी, इसलिए हम लोग यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। हाँ, हम मिले थे फीस को लेकर के, तो उन्होंने बोला कि हम एक तो ये लोग नोटिस नहीं निकालते हैं समय पर, नोटिस उन्होंने नहीं निकाला, और वो लोग जस्ट एक दो दिन पहले नोटिस निकालते हैं ताकि हम लोग आवाज़ ना उठा सकें इस चीज़ के लिए। लेकिन जब हम गए मैडम से, हमने बात किया, तो मैडम ने बोला कि आप लोग का फीस जो है अब 600 रुपये फीस नहीं लग रहा है मेंटेनेंस चार्ज एंड ऑल करके, वो लोग बस मेंटेनेंस के नाम पे पैसा लेते हैं। पिछले साल भी 1250 रुपये हम लोग से लिया गया था और मेंटेनेंस के नाम पे लिया गया था, वो पैसा भी हम लोग का अभी तक वापस नहीं हुआ है। और रिटर्न करने के लिए बोला जाता है, बट रिटर्न हम लोग का आज तक कभी भी अकाउंट में नहीं हुआ है। और फर्स्ट फॉर्म का ले किया जाता है, एडमिशन का लिया जाता है, एग्जामिनेशन का अलग फॉर्म का मनी लिया जाता है। और जब यहाँ पे इशू है कि गवर्नमेंट बोल चुके हैं कि हम लोग का फ्री ऑफ एजुकेशन है, तो किस बात पे ये पैसा लिया जा रहा है? और बात करने पे बोला जाता है कि हम लोग को, हमारी मांग यही है कि अगर ये फीस हमसे वसूली जा रही है तो हम सभी छात्राएं फीस देने को तैयार हैं, पर राज्य सरकार को ये नियम को खत्म करना होगा और यूनिवर्सिटी को भी अपने नोटिस बोर्ड से ये नियम हटाना होगा कि यहाँ पे हम छात्राओं से फीस नहीं ले